क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे यीशु, मैं आपको प्रभु और निर्माता परम धन्य संस्कार में छिपा हुआ मानता हूँ। हे यहोवा, मैं तेरे हाथों के सब कामों के लिए तेरी आराधना करता हूँ, जो मुझ पर इतना ज्ञान भलाई और दया प्रकट करते हैं।
आपने पृथ्वी पर इतना सौंदर्य फैलाया है और यह मुझे आपकी सुंदरता के बारे में बताता है। भले ही ये खूबसूरत चीजें आपकी एक धुंधली प्रतिबिंब है, हे मेरे प्रभु और निर्माता, आपकी भलाई मुझे आपके साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपकी दया उस खाई की मिटा देती है जो सृष्टिकर्ता को प्राणी से अलग करती है। हे यहोवा, तुझसे बातें करना मेरे मन का आनंद है। तुम में मुझे वह सब कुछ मिलता है जो मेरा दिल चाहता था। यह आपका प्रकाश मेरे मन को प्रकाशित करता है, जिससे यह आपको अधिक से अधिक गहराई से जानने में सक्षम बनाता है। यह मेरे हृदय पर कृपा की धाराएं बहती है। यहाँ मेरी आत्मा आनंद जीवन खींचती है। हे मेरे प्रभु और सृष्टिकर्ता, इन सभी उपहारों से केवल आप ही मुझे अपना स्वयं दे और अपनी दुखी प्राणी के साथ अपने आप को एकजुट करें। हे मसीह, मुझे यह देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता होगी कि आपने प्रेम किया और आपकी स्तुति और महिमा की घोषणा की, विशेष रूप से आपकी दया का सम्मान। हे मसीह, मुझे अपने जीवन की अंतिम क्षण तक मेरे खून की हर बूंद और मेरे दिल की हर धड़कन के साथ आपकी भलाई और दया की महिमा करने दो। क्या मैं आपकी आराधना के भोजन में परिवर्तित हो जाऊं? प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को अपने प्रेम से छेदो, ताकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ललायित रहूं अकेले, जो स्वर्गदूतों की रुचि है और आत्मा की गहराई इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मेरा दिल हमेशा भूखा रहे और तुम्हें खिलाए, ताकि मेरे आत्मा में भर जाए आपकी उपस्थिति की मिठास। मेरी आत्मा तुम्हारे लिए प्यासी हो, जो जीवन के स्रोत है, ज्ञान, प्रकाश और हमारे पिता परमेश्वर की सारी संपत्ति। क्या मैं हमेशा तलाश कर सकता हूँ और तुमको ढूंढो, तुम पर विचार करो, तुमसे बातें करो और सब कुछ अपने आदर और महिमा के लिए करो पवित्र नाम पर? हमेशा मेरी एकमात्र आशा, मेरी शांति, मेरी शरण और मेरी सहायता बनो, जिसमें मेरा दिल जड़ है, ताकि मैं तुमसे कभी अलग ना हो जाऊं। हे जीवित रोटी,
जो दुनिया को जीवन देने के लिए स्वर्ग से उतरे। हे प्यारे, हमारी आत्माओं को चरवाहों आपकी महिमा के सिंहासन से, जहाँ से एक छिपा हुआ ईश्वर जिसे आप उड़ लेते हैं, परिवारों और लोगों पर आपकी कृपा। हम आपको विशेष रूप से बीमारों की सराहना करते हैं, दुखी, गरीब और सभी जो भोजन और रोजगार के लिए भीख मांगते हैं, सभी के लिए भीख मांगते हैं और हर एक आपकी साहसी बनकर हम आपके परिवारों की सराहना करते हैं, ताकि वे मसीह जीवन के फलदायी केंद्र हो सकते हैं। आपकी कृपा की प्रचुरता बनी रहे सब पर। हे यीशु, विधि के संसार में उपस्थित सभी राष्ट्रों को आपकी सेवा करने सिखाते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर की सेवा करना राज्य करना है। मेरे प्रभु यीशु, यह आपके हमारे लिए महान प्रेम जो आपको दिन बनाए रखता है और रात धन्य में मौजूद है, संस्कार करुणा से भरा और प्यार, हम आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप वास्तव में मौजूद हो। हे यीशु, मैं तुम्हें अपने पूरी दिल से प्यार करता हूं। मुझे अपनी कृतज्ञता के लिए खेद है और मैं आपकी कृपा की सहायता से आपको फिर कभी नाराज नहीं करने का संकल्प लेता हूं। मैं अपना पूरा आत्मा आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं और समर्पित करता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है आपसे, तुम मेरे साथ जो चाहे करो। मेरे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में यहाँ इस संसार में हैं। रात और दिन तुम यहाँ करुणामय और प्रेममय रहते हैं। आप बुलाते हैं, आप प्रतीक्षा करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं जो आपसे मिलने आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं यीशु, मेरे हृदय को छू लीजिए। हे यीशु, हमारी खातिर पृथ्वी पर आने के लिए और दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए पवित्र यूकारिस्ट के आराधना संसार को स्थापित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रिय यीशु, अमूल्य शिकार बनने के लिए, मेरे लिए स्वर्गीय उपकार की पूर्णता के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझ में तुम पर ऐसा विश्वास जगाओ कि उनकी परिपूर्णता मेरी आत्मा पर और अधिक
फलदायी रूप से उतरे। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करती हूँ, तुझे मैं प्यार करती हूँ।
से आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी पूजा करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से आत्मा ग्रंथ 8। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दुधमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया, तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि का अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया, सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बैलाले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सदा तुम सब से रखना, प्रेम
हे पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु ईश्वर। इस संध्या समय के लिए आपने हमारे बीच में परम प्रसाद के रूप में उपस्थित हुए हैं प्रभु ईश्वर। हे प्रभु, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन को आपके सात वरदानों से भर दीजिए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे कमजोरियों को, हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दीजिए, ताकि हम आपके प्यार में हम आगे बढ़ते जाएं। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विनती ने प्यारे प्रभु ईश्वर, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों ने अभी यात्रा कर रहे हैं और जिन लोगों ने इस रात्रि में रात में यात्रा करने वाले हैं प्रभु ईश्वर, जहां कहीं भी जा रहे हैं प्रभु ईश्वर, उन्हें अच्छे सुरक्षित से पहुँचाइए, हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से उन्हें बचाइए। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विनती ने मेना बायो, ए मैं अर्जिन मेना बंगायो। हे प्रभु ईश्वर, हम जितने भी इस देश के नेताएं हैं प्रभु ईश्वर, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। हे प्रभु ईश्वर, आप उन्हें आपकी कृपा एवं वरदानों से भर दीजिए, ताकि वे हमारे देश को अच्छी तरह से चला सकें। आप एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रख सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विनती ने मेना बायो, ए मैं अर्जिन मेना मेना बंगायो। हे पिता ईश्वर, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कई दिनों से बीमार से पीड़ित हैं। घरों में, अस्पतालों में माँ मरियम, आप उन्हें जल्द से जल्द सुस्वस्थ कीजिए, जिससे कि वे आपकी स्तुति तथा महिमा गान कर सकें। इसके लिए प्रार्थना करें। ए मैं विनती ने मेना, पिता परमेश्वर, मैं बसवार पल्ली के सभी युवक युवतियों को आपके पवित्र हृदयों में रखती हूँ प्रभु ईश्वर। जिन लोगों ने पढ़ाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने गलत राहों पर चल रहे हैं प्रभु ईश्वर, आपने कहा है मैं संसार की ज्योति हूँ। हे प्रभु, उनके मनों में, उनके दिलों में आपकी ज्योति को प्रकट कीजिए और उन्हें समझने की शक्ति दीजिए, ताकि वे गलत राहों को छोड़कर सही राहों पर चल सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विनती ने मेना बायो, ए मैं अर्जिन मेना मेना।
प्यारे प्रभु ईश्वर, इस बसवार पल्ली में, इस बसवार मिशन में जितने भी लोग माता मरियम का दर्शन करने आते हैं प्यारे प्रभु ईश्वर, और जितने भी मतलबे छोड़ के जाते हैं, हे माँ मरियम, उनके सभी मतलबों को जल्द ही पूरा कीजिए और उन्हें जो भी अर्जियाँ लेके आते हैं उन्हें खाली हाथ ना लौटने दीजिए, ताकि वे आपके प्यार में और आपके बेटे के प्यार में उनके विश्वास हमेशा आगे बढ़ते जाए। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विनती प्रभु ईश्वर, आपने हम सभी को आपके प्रतिरूप सृष्टि किए हैं प्यारे प्रभु ईश्वर, हमारे जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी को इतना अच्छा सुंदर बुलाहट दिए हैं प्रभु ईश्वर, हे प्रभु। आप जितने भी भाई बहन जो आपके बुलाए गए राहों पर चल रहे हैं प्रभु ईश्वर, उन सभी को आप आशीष एवं कृपा दीजिए, ताकि वे आपके बुलाए हुए राहों पर ना भटक के एक अच्छे क्रिश्चियन जीवन जी सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विनती में प्यारे प्रभु ईश्वर, जितने भी लोग इस देश इस दुनिया में रहकर आपके वचन को दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं प्रभु ईश्वर, उन्हें आप अच्छे स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें आपके वरदानों से भर दीजिए, ताकि वे जहां भूखे और प्यासे हैं आपके वचन के लिए वहां पर जाकर अपने वचन को फैला सकें, आपके वचन को फैला सकें और अधिक से अधिक आपके समझ आत्माओं को ले ला सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विनती में हे प्यारे प्रभु ईश्वर, हम उन सभी लोगों को हम याद करते हैं जिन लोगों ने इस दुनिया से गुजर गए हैं। हे प्यारे प्रभु ईश्वर, विशेषकर उन सभी भाई बहनों को भी याद करें जिन लोगों ने कोरोना वायरस बीमार से मर गए हैं, और जिन लोगों ने बिना तैयारी किए हुए इस दुनिया से गुजर गए हैं। हे प्रभु ईश्वर, उनके पापों को आपके पांच घाव से निकले हुए लहू से धो दीजिए, उनके छोटे बड़े पापों को अपना याद दिलाइए, आप सभी पापों को क्षमा कीजिए और उन्हें आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराइए, ताकि वे
आपके दूतों एवं संतों के साथ आपकी स्तुति एवं महिमा गान कर सकें, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। ए मैं विंतिल में नायर बायो, ए मैं हर जिन में ना बंगायो। तूने उन्हें स्वर्ग रुचि दे जिसमें सब आनंद कर सिमटा है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार के द्वारा हमें दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगर युग जीता रहता और राज्य करता है।
धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परमूल्यवान रक्त, धन्य उसका परमूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संसार में यीशु, धन्य परम पवित्र संसार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भ का मन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भ का मन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वसंत से, धन्य उसका अति शुद्ध वसंत से, धन्य अपने दूत और संतों से परमेश्वर, धन्य अपने दूत और संतों में प्रभु।